साथियों, जिस तरह बुआ भतीजा मिलकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहां की पहचान को, यहां के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। दीदी अपनी पार्टी में जगाई मथाई की भारी भर्ती कर रही है, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली की केंद्र सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया। अरे बगल में त्रिपुरा ने भी भाजपा की सरकार बनते ही सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन ये दीदी, गरीबों की बातें करने वाली दीदी, यहां के सरकार के कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग भी लागू नहीं करती है। बताइए भाइयों और बहनों, हद देखिए, कहती है कि पश्चिम बंगाल का ये मॉडल वो पूरे देश में लागू करना चाहती है। अरे जहां टोलाबाजी टैक्स के बगैर जीवन नहीं चलता, जहां गरीबों को गरीब रखने का षड्यंत्र होता है, जहां गरीब की कमाई को टीएमसी के नेता लूट लेते हैं, जहां पर पूजा तक करना मुश्किल होता है, यात्राएं निकालना मुश्किल होता है, जहां तुष्टिकरण के लिए दूसरे देशों के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया जाता है। क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी देश के लोग आकर के भारत में चुनाव प्रचार करें? अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टिकरण के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर, पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है।